सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों और पारिवारिक समरसता के आदर्श मूल्यों को रंगमंच के माध्यम से बेहतर तरीके से उठाया जा सकता है, जिसे लेकर नरसिंहपुर में 2 दिवसीय बुंदेली नाट्य महोत्सव को रंग सरकार नाट्य समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें आलोक चटर्जी जैसे प्रख्यात रंगमंच कलाकारों द्वारा नाटक प्रस्तुत कर समाज में विघटित होते परिवारों की भावनात्मक प्रस्तुति दी गई, जो पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत लेखक वी शिरवाटकर के नाटक नट सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें परिवार के आपसी संघर्ष को रंगमंच के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया कि किस तरह एक माता पिता अपनी कई संतानों को पाल पोसकर बड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन जब वही माता पिता वृद्ध अवस्था में आते हैं तो एक संतान भी अपने माता पिता की ठीक ढंग से देखरेख नहीं कर पाती है, और फिर अंत में ऐसे परिवारों का क्या हश्र होता है, इसका सजीव चित्रण नाटक के माध्यम से किया गया। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। अपा 10 साल पहले हम इस प्लेट में रहने आए, अपा 10 साल का एक एक दिन इस बात की गवाही देगा कि हमने कभी भी आपकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद क्या हुआ? दादू पहले आप मुझे एक संदेश दीजिए। संदेश? और मैं संदेश नहीं और आपसे बात। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, बताता हूँ। खड़ी होता बाप का समय, आपका व्यवहार, आपके आसपास का पड़ोस और आपका आपका खुद का जीवन, आपका समाज, आपके रिश्ते, ये सब चीज़ें समझ में आती है। और ये कोई पुराना नाटक है नहीं, आज का नाटक है। तो इस तरह का नाटक होना बहुत ज़रूरी है, इससे आज टूटते हुए समाज में, टूटता हुआ जो संयुक्त परिवार है उसके बीच में कम से कम युवा पीढ़ियों को ये समझ में तो आए कि संवाद कैसे किया जाए, रिश्ते कैसे निभाया जाए, किस तरह आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके बेटे किस तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इस तरह के नाटक बहुत जरूरी है इस वक्त के लिए, क्योंकि ऐसे नाटक बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। और शायद नरसिंहपुर में मैंने पहली बार ऐसा नाटक देखा है, बहुत प्यारा नाटक था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे चल के मैं चाहती हूँ ऐसे नाटक और हो और जुड़े हमारे नाट्य सम्राट के साथ। परिवारों में जो विघटन हो रहे हैं उनको जुड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण इस तरीके का? बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट जो भी ऐसे करते हैं अपने माँ बाप के साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब उनको देखकर उन सबको सीखना चाहिए कि हमें अपने माँ के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल रंगमंच में जो हम लोग कहानी लेते हैं वो साहित्य से लेते हैं, और साहित्य हमेशा समाज का प्रतिबिंब होता है, एक शीशा होता है। उसमें अच्छा बुरा जो भी घट रहा है या जो हो सकता है अच्छा, सबकी संभावनाएं दिखाता है। और ये नाटक बहुत पहले लिखा गया 1966-67 में, और इसका पहला शो डॉक्टर श्रीमन लागू ने मराठी में 1970 में किया, और वो इससे इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने इसके 3000 शो किए मराठी में। उसके बाद बहुत लोगों ने कोशिश की पर कर नहीं पाए मराठी में भी। 4 साल पहले नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म आई थी जिसमें काफ़ी परिवर्तन के साथ उसको फिल्म फॉर्म में किया था। लेकिन हम लोग का जो नट सम्राट है वो एक दो को छोड़कर सब हिंदी एक्टर हैं, और मैं भी बुंदेलखंडी हूँ, मैं दमों का हूँ, बूंद रूप में। अब एक तो परिवेश को लेना, दूसरा उसकी कहानी जो है बेटे बहू दामाद नातिन दादा पति और पत्नी का बुढ़ापे में रूमानी रिश्ता, हम अपने परिवार की कहानी को हर कहीं देख सकते हैं। ये सब आज हमारे परिवारों में भी हो रहा है, हमारे परिवार नहीं हो रहे तो आसपास हो रहा है, आसपास नहीं हो रहा तो शहर में हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा तो दूसरे शहर में हो रहा है, हो तो ज़रूर रहा है। इसलिए ये नाटक पिछले 2 साल से इतना लोकप्रिय हुआ है ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कि जहाँ होता है लोग खड़े होकर ही ताली बजाते हैं। हमने सीधी जैसी जगह में शो किया, होशंगाबाद में किया, हमने बालाघाट में किया, हमने खंडवा में किया, नरसिंहपुर में किया, यहाँ पे भी वही है जो जबलपुर में मिला, जो रायपुर में मिला, जो पटना में मिला, जो हमको बम्बई में मिला, जो आगरा और लखनऊ जैसे शहर में मिला, इलाहाबाद में मिला। तो ये नाटक परिवार की कहानी है और हमारे समाज के सच को दर्शाती है, नहीं तो हमारे समाज में बुजुर्गों के लिए ओल्ड हाउस क्यों खोले जा रहे हैं, क्योंकि बूढ़ों के लिए परिवारों में जगह नहीं है।